नमस्कार मेरे बच्चों, लास्ट क्लास में पेपर डिस्कस किया था और बताया भी था कि पार्शियल डिफरेंशिएशन स्टार्ट करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस जो सेकंड पेपर है उसकी सेकंड यूनिट स्टार्ट करेंगे। सेकंड यूनिट में है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा होगा। डिफरेंशिएशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके टू टाइप होते हैं। टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक टू टाइप की होती है, एक तो होता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन होती है कि एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट। जैसे मैं थोड़ा डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में बता देता हूँ। इक्वेशन क्या होती है? वाई इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन होती है जिसमें ए और बी है ये कॉन्स्टेंट होते हैं। ठीक है, और ये एक्स है, ये कोई भी आर में बिलोंग करेगा और ये लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स है वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि एक्स की वैल्यू हम अपनी मर्जी से कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो एक्स इंडिपेंडेंट होगा। वाई डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे उससे हमें वाई की जो वैल्यू निकल के आएगी उसको बोलेंगे वाई डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये था डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट के बारे में। तीसरा मैंने बोला कि डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? dy / dx, d2y / dx2, d3y / dx3, इस टाइप के डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं। और पार्शियल में बात करें तो dy / dx, d2y / dx2, d2z / dx dy, इस टाइप के डिफरेंशियल कोफिशिएंट होते हैं। ये कहता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन कहती है कि एक रिलेशन होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिफरेंशियल कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन को ही हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब आता है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देखते हैं, dy / dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन साइन एक्स। dy / dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x अपॉन साइन एक्स, ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का एग्जांपल हो गया। अब सेकंड आता है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है कि एक तो होता है इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है डिपेंडेंट और मोर देन वन, एक से अधिक।
इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक तो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक से अधिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे अपन। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इसके एग्जांपल देख लो। एग्जांपल क्या है, डेल स्क्वायर वाई, सॉरी डेल स्क्वायर जेड, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। ठीक है, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर और साइन एक्स प्लस वाई। अब मैंने एक तो बताया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन में रिलेशन होता है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में। ठीक है, अब ये कैसे पहचान करेंगे डिपेंडेंट कौन सा है डिपेंडेंट कौन सा है। जब इक्वेशन की बात कर रहे थे तब तो हमें समझ में आ रहा था कि इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट बता सकते हैं, लेकिन अब यहाँ इक्वेशन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जैसे देखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स जो ऊपर होता है डी के साथ में, जो ऊपर है वाई वो तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और नीचे जो डी के साथ में होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो वाई है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, ऐसे ही ऊपर क्या है जेड, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है और एक्स और वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहां से कह सकते हैं कि एक्स और वाई तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है। जेड डिपेंड किस पे करता है, इसमें तो डिपेंड करता है एक्स वाई पे, और इसमें वाई किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इतना ही देखना था। अब देखो अपन अपने जो सिलेबस में है वहां ये तो था बेसिक, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन क्या होता है ये देखा है अभी तो। अब अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने सिलेबस में है पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन में अब अपन सीधा चलते हैं, इक्वेशन की बात करें तो जेड डिपेंडेंट वेरिएबल है, एफ एक्स वाई और कितने भी हो सकते हैं मोर देन वन वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इसमें एक इक्वेशन देगा और आपको पूछ लेगा डेल जेड अपॉन डेल एक्स या डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, डेल जेड टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर या डेल जेड अपॉन डेल वाई, इस टाइप से कुछ भी पूछ सकता है वो, इन्हें कुछ रिलेशन पूछ सकता है। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन करते हैं अपन अभी, वो क्वेश्चन देखिए। यदि z बराबर tan इनवर्स y अपॉन x तो सिद्ध कीजिए कि डेल टू z अपॉन डेल x स्क्वायर प्लस डेल टू z अपॉन डेल y स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है, जेड बराबर दे रहा था डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर एक्स के रेस्पेक्ट में टू टाइम डेरिवेटिव। अब सॉल्यूशन लिखेंगे तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको समीकरण एक मान लेते हैं। समीकरण ए का x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर, x के रिस्पेक्ट में अवकलन करेंगे तो डेल z अपॉन डेल x इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x, तब तो tan इनवर्स का अवकलन क्या होता है dy dx, tan इनवर्स x बराबर 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ tan इनवर्स का 1/1 प्लस y कौन x है, तो y